जय हिंद सभी को स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया मैं आपके सामने लेके आया हूँ ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन से कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस और लगभग ढाई सौ दो सौ साठ क्वेश्चन हैं एक पार्ट में तो बनाना मुश्किल होगा इसे कई पार्ट्स में बनाकर सीरीज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं इसे ये वो क्वेश्चन हैं जो मैंने अपनी तैयारी के टाइम पर मुख्य तौर पर चुन के कर लिखे थे इसमें से लगभग चालीस के आसपास क्वेश्चन मैंने हटा दी है क्योंकि जब मैंने दो हजार चौदह वाले पेपर में तैयारी करी थी तो उस टाइम से अब तक काफी कुछ अपडेट हो गया है ठीक है तो चलिए सीखते हैं और याद करते हैं ताकि एग्जाम में हमारे काम आ सके ये देखिए पहला क्या है स्टार्ट ऑफ एंशियंट ओलंपिक गेम्स एंड इट्स प्लेस प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी और कब हुई थी सात सौ छिहत्तर बीसी में एथेंस में दूसरा एंड ऑफ एंशियंट ओलंपिक गेम्स प्राचीन ओलंपिक खेल बंद कब हुए तीन सौ चौरानवे में रोम हु बैंड एंशियंट ओलंपिक गेम्स किसने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया थियोडोसियस राजा था ओलंपिक सिटी प्राचीन ओलंपिक मतलब जो प्राचीन ओलंपिक थे वहां पर उस समय ओलंपिक सिटी कौन थी कौन सी थी ओलंपिक का शहर कौन सा था एथेंस अगला स्टार्ट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंड इट्स प्लेस मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां हुई और कब हुई अठारह में एथेंस में यूनान का शहर है एथेंस हु स्टार्टेड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स किसने आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू किया पायरे बैरन दे कोबर्टिन कोबर्टिन अगला ओलंपिक म्यूजियम और उसका स्थान मतलब ओलंपिक म्यूजियम कहां है ओलंपिया में अगला और ऑर्गेनाइजिंग सिटी एंड कंट्री ऑफ फर्स्ट ओलंपिक गेम्स पहले ओलंपिक खेल आधुनिक की बात कर रहे हैं हम पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कौन से शहर और देश में ऑर्गेनाइज किए गए एथेंस में, जो कि यूनान का एक शहर है अगला ऑर्गेनाइजिंग स्टेडियम ऑफ फर्स्ट ओलंपिक गेम्स पहले ओलंपिक खेल किस स्टेडियम में हुए पैनाथोनिक स्टेडियम में अगला हेडक्वार्टर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स ओलंपिक खेलों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं लोसाने स्विट्जरलैंड। फर्स्ट हेड ऑफ आईओसी। आईओसी का पहला हेड डिमाइट्रिस विकेलस। सी विकेलस। अगला टाइम पीरियड ऑफ ओलंपिक गेम्स प्ले ओलंपिक खेल कितने दिन चलते हैं सोलह दिन अगला मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम कंट्री इन एन इंडिविजुअल प्ले मतलब एक खेल में अधिक से अधिक कितने खिलाड़ी किसी देश से भाग ले सकते हैं तीन खिलाड़ी अगला टाइम इंटरवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ओलंपिक गेम्स कितने सालों पर होता है हर चार साल पर और हर छह साल पहले अनाउंसमेंट कर दी जाती है मतलब ओलंपिक खेल कहाँ होंगे इस बात की अनाउंसमेंट छह साल पहले कर दी जाती है ओलंपिक खेलों का मोटो और उसका अर्थ देखिए सी टी एस सी टी एस माने सबसे तेज ऑल्टी एस माने सबसे ऊंचा और फोर्टीएस माने सबसे मजबूत तो ये ओलंपिक मोटो होता है सी टी एस आल्टी एस और इसके ये अर्थ होते हैं सबसे तेज सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर अगला कुछ चीज़ों की फुल फॉर्म्स हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए आई ओ सी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नाडा इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी आई ओ ए इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आफी ए एफ आई इसकी फुल फॉर्म है एथलेटिक एम फेडरेशन ऑफ इंडिया अगला साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगला एनएसएनआईएस यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स अगला वाई एम सी ए यंग मैं क्रिश्चियन एसोसिएशन अगला डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगला सैफ एस एफ सैफ साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स अगला सेड एस एड स्पेसिफिक एडप्टेशन टू इंपोज डिमांड्स अगला ए आईसीएस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स अगला एस टी डी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगला आईसीएस एस पीई इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन अगला बी एम आई बॉडी मास इंडेक्स अगला बी एम आर बेसल मेटाबॉलिक रेट अगला फिडे एफ आई डी ई फेडरेशन इंटरनेशनल डे एच एस ये चेस की संस्था है अगला फीफा एफ आई एफ ए फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन अगला आई एच एफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अगला ए आई सी पी ई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फिजिकल एजुकेशन जैसे आई ओ ए होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वो इंडिया के ओलंपिक की देख रेख करता है ऐसे ही आई ओ सी होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक को देखता है वैसे ही ओ सी ए होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो कि एशियन गेम्स को देखता है तो ये याद रखेंगे आप अब देखिए इस तरीके से और बाकी फेडरेशन देखो मैंने ऐसे ऐसे ब्लैंक छोड़ रखा है ना ये कुछ काम आपके लिए है कुछ होमवर्क भी करना चाहिए चलिए अगला नंबर ऑफ रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग एंड इट्स कलर ओलंपिक झंडे में कितने रंग होते हैं पांच रंग होते हैं और उसको याद करने का तरीका है बिबगर पांचों रंगों को याद करने का तरीका है बिबगर पांच छल्ले होते हैं ना एक दो तीन चार पांच इस तरीके से तो होता है पहला ब्लू फिर येलो फिर, फिर ब्लैक फिर ग्रीन फिर रेड बिबगर और इसके महाद्वीपों के नाम याद करने का तरीका भी आ या ए ए, 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 ए ए फिर ए फिर ए फिर ई फिर, फिर ए और देखो बारी बारी से सभी रंगों को दर्शाते हैं पहला ए ब्लू को दर्शाता है दूसरा ए येलो को दर्शाता है तीसरा ए ब्लैक को दर्शाता है चौथा ई ग्रीन को दर्शाता है पांचवा ए रेड को दर्शाता है अब देखो ब्लैक ब्लैक का ए कौन सा महाद्वीप होगा अफ्रीका ब्लैक वहां ज्यादा है फिर ग्रीन यूरोप और रेड आर से ऑस्ट्रेलिया लाल मांस बहुत प्रयोग करते हैं अब बचते हैं दो दो ए एशिया अमेरिका समझे एशिया पहला अमेरिका दूसरा याद रखने का तरीका है ये अगला कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग ओलंपिक झंडे का रंग क्या होता है सफेद रंग का होता है रेशम का बना होता है अगला हु डिजाइंड ओलंपिक फ्लैग किसने ओलंपिक फ्लैग का डिजाइन दिया बैरन कब और कहा सबसे पहला ओलंपिक झंडा फहराया गया 1920 में एंटवर्प, बेल्जियम ओलंपिक में अगला वैन एंड वेयर फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक फर्स्ट टाइम कब और कहा महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया सन 1900, पेरिस फ्रांस अगला हू गेव ओलंपिक मोटो ओलंपिक का मोटो किसने दिया फादर डिडान अगला व्हेन एंड वेयर द ओथ वाज टेकन फर्स्ट टाइमिंग ओलंपिक्स ओलंपिक में सबसे पहले शपथ कहां ली गई 1920 एंटवर्ड बेल्जियम ओलंपिक में जहां पर पहले झंडा फहराया गया अगला व्हेन फाइव रिंग्स वर परमिटेड इन ओलंपिक फ्लैग कब ओलंपिक झंडे में पांच छल्लों को डालने की परमिशन हुई 1924 में पेरिस फ्रांस में उससे पहले नहीं थे फिर अगला वैन एंड वेयर ओलंपिक वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टू डिफरेंट सिटीज ऑफ ए कंट्री कब पहली बार ओलंपिक दो अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज हुआ 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज किया गया अगला वैन एंड वेयर वॉज फर्स्ट डोपिंग केस फाउंड इन ओलंपिक पहला डोपिंग केस ओलंपिक में कहा पाया गया 1960 में रोम में इटली में तो ये अट्ठाईस क्वेश्चन किए आपने अगले पार्ट में और सीखेंगे तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए सीखते रहिए तब तक के लिए जय हिंद